दरअसल मामला देर रात और कुआ थाना क्षेत्र के तीन इमली चौराहे के पास ड्यूटी से घर जा रहे नीलेश नामक युवक को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने रोका और चाकू की नोक पर पर्स और मोबाइल छीनने लगे। जब इसका विरोध नीलेश ने किया तो बदमाशों ने चाकू से वार कर नीलेश को घायल कर दिया और मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। बाइट विशेष अग्रवाल। घटना के बाद तत्काल घायल को उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात बाइक सवार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना भौरुआ क्षेत्र की घटना है, तकरीबन 8:30 बजे की घटना है। नीलेश नाम का व्यक्ति ये विशेष अस्पताल के सामने अपनी बहन के साथ जो है वो टहल रहा था, तभी दो अज्ञात बदमाश आए, बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश थे और उन्होंने जो है वो मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब घायल के द्वारा इस विरोध करने का कोशिश की गई तब उनके द्वारा जो है वो चाकू मार दिया गया, जिससे नीलेश घायल हो गया और उसे जो है MY अस्पताल इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। क्या स्थिति है पेशेंट की? अभी स्टेबल है, उसका इलाज चल रहा है। जी जो है वो इसमें मोबाइल लूट की घटना हुई है। दो चाकू की घटना हुई थी। दो हम जैसे घूमने जा रहे थे तो पीछे से दो लड़के आए और अचानक से हमला करने लगे और हम चिल्लाए पर कोई मदद करने के लिए भी नहीं आया और दोनों दो लड़के थे तो वो चाकू यहाँ सामने यहाँ पे मारा और एक पीछे मारा। नीलेश सेनानी। कहाँ रहते हो आप? मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट की हूँ और भैया है तो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ क्या करते हैं भैया आपके? भैया यहाँ पे हम दोनों बहने यहाँ पे पहली बार रह रहे तो हमारे साथ में रह रहे। टाइम न्यूज़ देखिए आप।